तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये कहते हैं करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा, गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है सी पी अपॉन सी बी। आप पढ़े होंगे सी पी इज इक्वल टू यहाँ से एफ आर बाई टू प्लस आर, क्योंकि सी बी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन आप पढ़े होंगे, तो तुम देख रहे हो कि ये टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है। हम सबको पता, अगर यहाँ पर टेम्परेचर मेंशन नहीं है, वैसे मेंशन होना चाहिए, एट लो टेम्परेचर पे बात करोगे तो लो टेम्परेचर पे जो गामा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कांस्टेंट है तो ये रेशियो है, तो गामा इनडिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर होगा। बट एट हाई टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर पर अगर बात करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन का एड होने लगेगा, और उस वक्त गामा टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि गामा की डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। तो लो टेम्परेचर पे बताया नहीं, तो मैं लो टेम्परेचर पे अज्यूम करके चेंज चल रहा हूँ, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है।